हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक रोहिल आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जो 1770 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो 1770 अपने सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपका ना ध्यान इन वीडियोज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के छोटे छोटे वीडियो, दो मिनट के, ढाई मिनट के वीडियो में बना के भेजता हूँ आप लोगों के लिए डे टाइम के अंदर, सुबह 10:30 के आसपास। तो सर, ये बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे में प्लस में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि आप सेम डे के अंदर भी कुछ पैसा बना सकते हो, तो इनको मिस मत करना दोस्तों। अभी मैं आपको, जिन लोगों ने मिस किया है उनको दुख होने वाला है, अभी मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो अभी आगे बढ़ते हैं सर। उससे पहले रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप पहली बार आए हैं सर चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे जिसमें मल्टीबैगर स्टॉक्स, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे अपडेटेड वीडियो में। तो बेल के आइकन को दबाइए और फ्यूचर के वीडियो को मिस मत कीजिए। अभी देखो, जो ये छोटे छोटे वीडियो मैं डे टाइम में शेयर करता हूँ ना आपके पास, मैंने एक बिरला केबल शेयर किया था 121 रुपये पे, आज वो 132 रुपये के आसपास भी गया था। टाटा स्टील मैंने शेयर किया था 1215 रुपये पे, 1240-45 तक गया स्टॉक वो। पशुपति मैंने आपके साथ शेयर किया 37-38 में, वो 43 तक गया एक दिन में, दो दिन में। एवीटी नेचुरल्स मैंने शेयर किया 101 रुपये पे, 110 प्लस का हाई बनाया उसने। तो ये शेयर्स सर, मैं उस वीडियो में केवल 3 से 4 शेयर ही डालता हूँ, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो डे टाइम में, ट्रेडिंग टाइम में, जहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे स्टॉक्स मिले, इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म के अच्छे स्टॉक्स जो ब्रेकआउट लेवल पे आ गए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में, जिनमें आप इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट डिस्कस करते हैं। देखो, निफ्टी जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि 17300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसने ब्रेक किया। उसके बाद 17600 का लेवल, देखिए ये लेवल, ये बिल्कुल ओपन एरिया था। यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं, तो 17639 का हाई इसने बनाया आज निफ्टी ने, और क्लोज कहाँ हुई है, 17605 के ऊपर क्लोज हुई है। तो लेट्स सी कल क्या होता है वापस। मुझे लगता है कि अब हाई की तरह इसको ब्रेक करेंगे, तो जो ये 17800 का ना लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करते हैं ना तो हम हो सकता है कि 18400 के हाई की तरफ बढ़ें। अभी डिस्कस करते हैं सर शेयर्स के बारे में। बिरला केबल लिमिटेड, अब बिरला केबल लिमिटेड मैंने आपको शेयर किया था 120 रुपये के लेवल पे लास्ट डे के वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आज ये स्टॉक्स देखो कहाँ कहाँ कितना हाई, 136 का हाई बना के आया है, 137.50 का हाई बनाया है स्टॉक्स ने। तो करीबन 15-16 रुपये आपके दो दिन में निकल जाते पर शेयर। जो हमारा पहला टारगेट था वो उसने आज ही अचीव कर लिया, दो दिन में ही। तो शॉर्ट टर्म में इस तरीके के स्टेयर्स को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक को मिस मत करो, उसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपका पर्सनल डिसीजन है। एटलीस्ट आपकी नज़र में तो आएगा एक स्टॉक की, अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपकी नज़र में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, आपकी वॉच लिस्ट में रहेगा स्टॉक, आपके डायरी में नोट डाउन रहेगा कि ये स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या प्लानिंग कर सकता हूँ। तो अभी भी स्टॉक के अंदर काफ़ी दम है, 140-150 रुपये के लिए शॉर्ट टर्म में आप निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट होगा सर ओमैक्स। ओमैक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था 9800 रुपीज़ के लेवल पे, ये मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न नज़र आया था वॉल्यूम के साथ, काफ़ी अच्छी संरचना है, ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है, ये इसको मिस नहीं करना चाहिए, कप एंड हैंडल पैटर्न को मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा पोल एंड फ्लैग को मिस नहीं करना चाहिए, उसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छे लेवल दिखाता है स्टॉक, अभी भी अच्छे लेवल दिखाएगा हमको पूरी उम्मीद है। 110, 125 और 140 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं। अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस जरूर करें दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे भी चेक करें, सलाह लें। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात मिनरल।
ये स्टॉक मैंने आपको 130 रुपए के लेवल पे शेयर किया था, वापस से शेयर कर रहा हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये धीरे धीरे ये राउंडिंग बॉटम है, इसको कंप्लीट करने जाएगा। अगर ये इसको कंप्लीट करता है तो हमारे दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे, 155 और 175। ये स्टॉक में हम करीबन 45-46 से पहले ही इन्वेस्टेड हैं दोस्तों, तो उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ उनका पैसा पहले ही 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम्स। अब देखिए 29 सितंबर के आसपास के का वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो 29 सितंबर में 46 रुपीज़ से 45 रुपीज़ से आज की डेट में 4 महीने में ही आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। तो अभी भी स्टॉक में काफ़ी दम है, और यहाँ से ये स्टॉक आपको 155 और 175 के टारगेट आपको दिखा सकता है। सर नेक्स्ट स्टॉक है, सर आज के दिन में काफ़ी धूम मचाई स्टॉक ने, एनडीटीवी। एनडीटीवी का मैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद आज अपर सर्किट में क्लोज हुआ, 20% के अपर सर्किट में एंट्री मिल ही नहीं पाई इसके अंदर। फिर भी आप नेक्स्ट डे ट्राई करना, अगर आपको एंट्री मिल जाती है 140 के आसपास, 128 का स्टॉप लॉस रखना, 155 टू 200 ये आपके टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, 1 वीक टू 4 वीक के अंदर। शॉर्ट टर्म का मीनिंग ये है मेरे लिए। नेक्स्ट होगा सर रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन इंडिया में देखिए ये एक फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आएगा 175 के ऊपर, तो सेफ ट्रेडर 175 के ऊपर ले सकते हैं, वरना आप एंट्री इसके अंदर 170-172 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। 160 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए स्टॉक के अंदर, टारगेट आपके 195-210 के टारगेट के साथ इन्वेस्टेड रहें दोस्तों। नेक्स्ट होगा सर जी मीडिया। जी मीडिया मैंने आपको 17 रुपये पे दिया था 2 दिन पहले, 17 रुपये से ये स्टॉक 19 पॉइंट समथिंग हो चुका है, तो 2-2.5 रुपये से दे दिए आपको, 2-2.5 रुपये मतलब 10% प्लस का रिटर्न दे चुका है ये 2 दिन में आपको। अभी हमारे टारगेट क्या है, मैंने आपको बोला था कि ये देखो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करते हुए नजर आता है मुझे, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का हाई है वो है 50 रुपीज़, तो अपने टारगेट भी 27 और 51 रुपीज़ है। अगर कोई 17 रुपये पे इन्वेस्ट किया होगा तो 51 रुपये पे उसके पैसा 3 गुना हो सकता है। तो सर ये उस स्टॉक्स थे जहाँ पे आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट हो सकते हो। जी मीडिया में आपको 1 से 2 साल का टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी प्लानिंग उसी तरीके से करें। इसी के साथ थैंक यू बोलना चाहूँगा जो दोस्त मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का चैनल है अपना, छोटा सा फैमिली है मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला, उसको ज्वाइन कर सकती हैं। डे टाइम में मैं आपके साथ 2 से 4-5 ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, तो उसमें आपका पैसा बन सकता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, बेल के आइकन को आप भी दबाइए और उनसे भी दबाइए, ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियो रेगुलरली टाइम पे मिलते रहें। एटलीस्ट आप अच्छे स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर पाएंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट्स, पॉसिबल टारगेट्स आपको मेंशन करके दूँ।